अगर आपको शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप इस तरह से शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे तो बार बार बनाने को मन करेगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ दो बड़े साइज के आलू को इस तरह हम लंबे में कट कर लेंगे। दो कैप्सिकम को भी क्यूब में कट कर लेंगे। दो बड़े साइज के प्याज के ऊपर के इस तरह क्यूब में कट कर लेंगे, और उसके अंदर के पार्ट्स को कुछ को हम बारीक चॉप करेंगे और कुछ को इस तरह लंबे आकार में करेंगे। ये लंबे आकार वाला और टमाटो के, इन दोनों का हम पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ घर की बनी हुई अदरक लहसुन का एक बड़ा चम्मच यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर और प्याज के साथ अदरक और लहसुन भी पीस सकते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू अब अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। और इसमें शिमला मिर्च को डालेंगे और इसे भी हाई फ्लेम पे थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया। अब हम इसमें प्याज के स्लाइसेस को डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से शिमला मिर्च और प्याज में अच्छा क्रंचीनेस आता है। ये अब अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा पक जाने से उसके बाद हमने जो बारीक चॉप किया प्याज उसे डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर हम भूनेंगे। प्याज अब अच्छे से भून गई है, इसमें हम कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और यहाँ पे हम सूखे मसाले डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सबको अब एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ही बड़े बड़े बबल्स आते हैं, इसीलिए इसे हम ढक के पकाएंगे। मसाला यहाँ थोड़ी सी पक गई है, यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहीं पे 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल देंगे।
सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मसाला अच्छे से मिक्स हो गई है। यहाँ पे हम आलू डाल देंगे, जिससे आलू भी हमारा पक जाएगा और मसाला भी अच्छा से भून जाएगा। और इसे ढक देंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून गई है और आलू भी पक गई है। यहाँ हम 1 कप गरम पानी डालेंगे। एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। यह सब्जी में अच्छा उबाल आ गया है। इसमें हम अब कैप्सिकम और प्याज को डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम धनिया पत्ता डालेंगे। मेरे पास थोड़ा धनिया पत्ता था, इसीलिए अगर आपके पास ज़्यादा है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा धनिया पत्ता डाल दें। सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक देंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 मिनट तक ही पकाना है। 2 मिनट बाद ढककर निकालेंगे और सब्जी हमारी तैयार है। और इसे हम आप सर्व कर लेते हैं। आप सब्जी को पूरी, पराठा या नान के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।